नमस्कार साथियों, मैं हूं अविनाश शर्मा। पॉजिटिव बिल्डर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा, घर बनाते समय जब प्लिंथ बीम की कास्टिंग करते हैं तो प्लिंथ बीम के लिए कंक्रीट का रेशियो क्या होना चाहिए। इसी टॉपिक के ऊपर जो है वो आज इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पॉजिटिव बिल्डर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को बिना समय गंवाए। साथियों, जब भी हम घर बनाते हैं सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि कंक्रीट की जो है वो रेशियो क्या होगी। देखिए, जब भी हम जो है वो एक्सकावेशन करेंगे, नींव की खुदाई करेंगे, तो पीसीसी वर्क में कंक्रीट यूज़ होगा। कंक्रीट जो है वो आपके हर एक स्ट्रक्चरल मेंबर में जो है वो यूज़ होगा उसे मजबूत बनाने के लिए। तो कंक्रीट की रेशियो क्या होनी चाहिए, प्लिंथ बीम के साथ साथ आज मैं आपको पूरे स्ट्रक्चर की ही जानकारी दे दूँगा कि उसमें जो है वो कौन सी रेशियो का आपको इस्तेमाल करना है। साथियों, इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अनुसार हमें जो है वो M20 ग्रेड से नीचे की रेशियो का इस्तेमाल कभी नहीं करना है। इस बात का आपको हमेशा ध्यान देना है। RCC स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं, जिस कंक्रीट मेंबर में या फिर जिस स्ट्रक्चरल मेंबर में जो है वो स्टील होगा, आपको वहां पर जो है वो M20 ग्रेड से नीचे की रेशियो का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे कि M20 से नीचे की रेशियो जो है वो M15 होती है। M20 में कितना सीमेंट, कितना सैंड और कितना एग्रीगेट होता है पहले वो जान लीजिए। 1:1.5:3 की रेशियो जो है वो M20 ग्रेड की रेशियो है। इसमें 1 बैग सीमेंट का होता है, 1.5 बैग इसमें सैंड के होते हैं और 3 बैग इसमें एग्रीगेट के होते हैं। इससे नीचे की रेशियो M15 हुई, उसमें जो है वो 1:2:4 की रेशियो होती है, जिसमें 1 बैग सीमेंट का होता है, 2 बैग सैंड के होते हैं और 4 बैग एग्रीगेट के होते हैं। तो इस तरह से जो है वो आपको रेशियो के बारे में पता होना चाहिए और इंडियन स्टैंडर्ड कोड में ही आपको इसके बारे में जानकारी दी है कि अगर हम जो है वो RCC स्ट्रक्चर में कंक्रीट की कास्टिंग करेंगे तो कंक्रीट का जो रेशियो है वो हमें M20 ग्रेड से नीचे नहीं रखना है। तो इस बात का सबसे पहले आपको ध्यान देना है। मैं आपको बता दूं कहां पर जो है वो इससे कम की रेशियो का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप जो है PCC वर्क कर रहे हैं, कोई रिटेनिंग वॉल बना रहे हैं, या फिर आप फ्लोरिंग कर रहे हैं घर में, या फिर आप जो है वो PCC बेड जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें जो कंक्रीट का रेशियो है वो आप 1:4:8 या फिर कम या ज़्यादा जो है वो M20 से कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर स्टील यूज़ हो रहा है, जिस स्ट्रक्चरल मेंबर में जो है वो स्टील यूज़ होगा, जैसे कि कॉलम हो गया, बीम हो गया, चाहे वो प्लिंथ बीम है आपका, चाहे वो मेन बीम है आपका, या फिर स्लैब है, हिडन बीम है, स्टेयरकेस है, किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर है जिसमें आपका स्टील यूज़ हो रहा है, जिसमें आप सरिया डाल रहे हैं और उसके अंदर जो कॉन्क्रीट की कास्टिंग होगी वो आपकी M20 ग्रेड से नीचे की नहीं होनी चाहिए। 1:1.5:3 से जो कम की रेशियो है उसका आपको इस्तेमाल नहीं करना है। तो जब भी आप घर कंक्रीट की रेशियो का हमेशा ध्यान दें। इसी के साथ कुछ चीज़ें मैं आपको और भी इस वीडियो में बताना चाहता हूं। जैसे कि अगर आप जो है वो अपनी कंक्रीट में ज़्यादा पानी डाल देंगे, ज़्यादा पानी डालने से क्या होता है कि वर्केबिलिटी बढ़ जाती है, उस कंक्रीट को ले जाना, प्लेस करना आसान होता है। लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, अगर आप जो है वो ज़्यादा अमाउंट में पानी ऐड कर देंगे तो उससे जो है वो कंक्रीट की स्ट्रेंथ जो है वो कम होती है, कंक्रीट की मजबूती कम होती है ज़्यादा पानी डालने से। तो ज़रूरत के अनुसार ही आप पानी डालें ना, कंक्रीट ज़्यादा स्टिफ होना चाहिए और ना ही कंक्रीट जो है वो इतना पतला होना चाहिए कि वो खुद से ही बह जाए, या फिर इस तरह की जो सिचुएशन है वो कंक्रीट में नहीं होनी चाहिए। कंक्रीट में जो है वो ज़रूरत के अनुसार पानी होना चाहिए ताकि कंक्रीट को प्लेस करना आसान हो और कंक्रीट जो है वो मजबूत बन सके, उसकी स्ट्रेंथ कम ना हो। तो जब भी घर बनाएं आपको जो है वो इन सभी बातों का ध्यान रखना है। आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो पॉजिटिव बिल्डर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। आपका दिन शुभ हो।